हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर रेड्डी शेयर के ऊपर। शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला, तकरीबन 3.5% नीचे जो है स्टॉक यहां पे ट्रेड कर रहा था। तो इन डिटेल में हम लोग देखेंगे जो स्टॉक में क्या कुछ न्यूज भी है और साथ ही साथ टेक्निकली ये स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन पे करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी शेयर के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आज के टाइम हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 4% ये जो है स्टॉक यहाँ पर क्लोज हुआ है, 4147.80 पे जो है आपको यहाँ पे क्लोज हुआ है। 4140 के राउंड जो है स्टॉक यहाँ पे आज आपको क्लोज हुआ है। 3.85% नीचे जो है स्टॉक आज यहाँ पे आपको क्लोज हुआ है। अगर हम लोग लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा गिरावट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, ऑलमोस्ट जो है आपको यहाँ पे 4.5% का गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुका है। अगर मंथली बेसिस पे बात करें स्टॉक का अभी भी पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन यहाँ पे अगर क्लियरली हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो इस स्टॉक में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो न्यूज भी है और कंपनी के लिए जो है अच्छी न्यूज है। न्यूज क्या है तो यहाँ पे आपको एक और जेनरिक मेडिसिन के लिए जो है अप्रूवल मिल गया है। अभिवा जो है वो एक आपको अफिलिएट है एपोटेक्स का और उसको अप्रूवल मिल गया है। इससे पहले 3 जेनरिक मेडिसिन को ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका था और वहां पे जो है डॉक्टर रेड्डी का मार्केट शेयर जो है 18% है। तो एक अच्छा जो है आपको मार्केट शेयर है और उसके बाद जो है वापस से 4th जेनरिक मेडिसिन को मिला है और ये बहुत ही जल्द जो है आपको यहाँ पे लॉन्च भी होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा इससे कंपनी का आपको फायदा भी होने वाला है, रेवेन्यू भी बढ़ने वाला है, साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे जो अगर कंपनी के लिए अच्छी न्यूज है तो फिर स्टॉक प्राइस यहाँ पे गिरा क्यों। तो एक चीज़ आप ये चीज़ समझिए, जो भी न्यूज आता है वो हम लोगों तक या फिर रिटेलर्स तक जो है आपको लेट से आता है। जो आपको ऊपर में मार्केट मेकर है उनको पहले से खबर रहती है जो कौन से कंपनी में आपको क्या गुड न्यूज़ आने वाला है। तो अगर गुड न्यूज़ आया है तो रिटेलर्स यहाँ पे बाई करेंगे, तो यही मौका होता है जो वो लोग वहाँ पे अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, क्योंकि उनको पहले से अगर न्यूज पता है वो पहले से अपना पोजीशन वहाँ पे बना के रखते हैं और जैसे ही न्यूज आता है तो वो लोग अपना पोजीशन कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही रीज़न है जो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो स्टॉक में एक अच्छा गिरावट हम लोगों को देखने को मिला। और टेक्निकली भी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो टेक्निकली एक रेसिस्टेंस लेवल पे स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे खड़ा था। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये एक आपको 4268 नीचे की साइड और ऊपर की साइड जो है आपको 4425, ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है और इससे पहले भी रेसिस्टेंस ले चुका है मल्टीपल टाइम। अगर हम लोग देखेंगे रिसेंट में ऑलरेडी 3 times यहाँ पे आपको स्टॉक रेसिस्टेंस ले चुका है। तो इसी वजह से अगर यहाँ पे टेक्निकली भी आप देखेंगे तो टेक्निकली आपको क्लियरली पता रहता है जो अभी स्टॉक जो है रेसिस्टेंस लेवल पे खड़ा है। यहाँ से अगर 4270 के नीचे निकलता है तो हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड अगर हम लोग यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे तो इमीडिएट सपोर्ट जो है वो आपको 3800 से 3900 के लेवल के अराउंड है। यहाँ पे जो है रिसेंट स्विंग लो है, एक अच्छा बेस बनाया है स्टॉक ने। यहाँ पे आपको 8-10 ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत ही अच्छा बेस बनाया है। तो जो आपको सबसे नियरेस्ट सपोर्ट है वो आपको 3800 से 3900 का ये जो जोन है 100 points का, ये एक आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। करंटली अगर देखेंगे स्टॉक जो है 4140 के राउंड ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस टाइप का चार्ट पैटर्न हम लोगों को फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। वापस से मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4000 के लेवल तक जो है स्टॉक आने के बाद वापस से यहाँ पे बाउंस बैक जरूर करना चाहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे रिसेंट में इस लेवल को मल्टीपल टाइम हिट किया है, बट यहाँ पे जितनी भी बार जो है आपको बायर्स ऊपर की साइड लेके जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स जो है डोमिनेट कर रहे हैं। एक बार अगर यहाँ पे 4400 का लेवल ऊपर की साइड ब्रेक हो जाता है तो इस स्टॉक में हम लोगों को जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है
आपको एक गिरावट हो सकता है, उसके बाद वापस से यहाँ पे बाउंस बैक हो सकता है। आज एक ऑलरेडी अच्छा गिरावट हो चुका है, तो यहाँ पे करंटली अगर देखेंगे तो शॉर्ट पोजीशन में जो है इतना अट्रैक्टिव पोजीशन नहीं मिल रहा है, बेटर है वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद पुल बैक के बाद अगर मिलता है तो फिर हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, नहीं तो हम लोग वेट करेंगे और भी अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकता है। ब्रॉडर टाइम फ्रेम में अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पे देखेंगे चार्ट को, तो वीकली टाइम फ्रेम में भी क्लियरली जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था एक अच्छा फॉल हुआ, फॉल होने के बाद वापस से बाउंस किया, अगेन यहाँ पे जो है आपको सेलर्स ने डोमिनेट किया, वापस से यहाँ पे बायर ऊपर लेने लेके जाना चाह रहे थे, अगेन यहाँ पे रेसिस्टेंस के पास ही जो है आपको सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे है, ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट होगा तो वापस से हम लोगों को यहाँ पे 5000 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है तो हम लोगों को यहाँ पे आपको 1800 का लेवल, और एक बार अगर यहाँ पे 3700 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर नीचे की साइड एक अच्छा गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे ये स्टॉक है। अगर आपको बाई पोजिशन बनाना है लंबे समय के लिए, वेट कीजिए ऊपर की साइड ब्रेकआउट का, नहीं तो और भी नीचे का लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है। आपको अगर शॉर्ट पोजीशन बनाना है, इमीडिएटली अगर शॉर्ट पोजीशन बनाना है तो यहाँ पे पुल बैक का हम लोग वेट कर सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो एक अच्छा फॉल ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में एक कैट पैटर्न बन रहा है जो कि आपको पुल बैक इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे एक पुल बैक हो सकता है 4200 के लेवल तक, उसके बाद ही जो है हम लोगों को एक अच्छा शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे इंट्राडे या फिर 2-3 दिन के लिए पोजीशन व्यू के लिए भी जो है हम लोगों को यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन मिल सकता है। तो बेटर है इन सभी लेवल्स के साथ आप वेट कीजिए, इमीडिएटली जंप मत कीजिए, एक बार प्राइस को अपने प्लेस पे आने दीजिए। अगर आपको बाई पोजीशन बनाना है 4500 के लेवल को क्रॉस करने दीजिए या एटलीस्ट 4400 के लेवल के ऊपर डेली चार्ट को क्लोज होने दीजिए, डेली कैंडल को। और अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बियरिश ट्रेड लेना है तो इमीडिएटली जंप मत कीजिए, यहाँ पे पुल बैक का वेट कीजिए। 4200 के लेवल के अराउंड जो है अगर आपको शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वहाँ पे आप शॉर्ट करने के लिए इस स्टॉक को देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेवल्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।